माता जिंदा जला। उदयपुर हत्याकांड में जान गंवाने वाले दर्जी कन्हैया लाल के अंतिम संस्कार में भारी संख्या में लोग जुटे। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच कन्हैया लाल के अंतिम संस्कार का इंतजाम किया गया। कन्हैया लाल का शव निकलने के दौरान उनकी पत्नी और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल दिखा। कन्हैया लाल साहू की पत्नी ने कहा, आरोपियों को फांसी दो या जिंदा जला दो, आज उसने हमें मारा है, कल दूसरों को मारेगा। वहीं कन्हैया की भांजी ने कहा कि हमारे घर से मामा जी को आज मारा गया है, कल किसी और के घर से किसी और को मारा जाएगा, इसलिए आरोपी को हर हाल में फांसी की सजा होनी चाहिए। एक अन्य परिजन ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि अगर आरोपी को तत्काल सख्त सजा नहीं मिली तो लोगों की हिम्मत बढ़ेगी, आरोपी को ऐसी सजा दी जाए जिसके बाद किसी की हिम्मत ना हो कि वह ऐसा काम करे। राजस्थान के खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की है। बता दें कि उदयपुर में मंगलवार को दो मुस्लिम युवकों ने एक दर्जी कन्हैया लाल की उसकी दुकान में नृशंस हत्या के बाद शहर के 7 थाना क्षेत्रों में लगाया गया कर्फ्यू बुधवार को भी जारी रहा। पुलिस ने बताया कि कन्हैया लाल का शव करीब 7 घंटे के बाद मंगलवार शाम को घटनास्थल शव का पोस्टमार्टम राजकीय जिला अस्पताल के शवगृह में किया जा रहा है। उदयपुर में पुलिस की व्यापक तैनाती की गई है। स्थिति को देखते हुए राज्य के करीब 33 जिलों में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इस हत्याकांड को लेकर, इसकी जांच को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का क्या कहना है? और ये जो खबर आ रही है, जो ये जो जिसने मारा है, उनके क्या प्लान थे, क्या षड्यंत्र था, किससे लिंक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कोई ऐसी एजेंसी है क्या जिससे लिंक है, वो तमाम बातों खुलासा होगा। तो ये इसको हम उस गंभीरता से ले रहे हैं कि घटना कोई मामूली नहीं और ऐसे हो नहीं सकती जब तक इसका कोई अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर कोई जो ऐसे रेडिकल एलिमेंट है उससे लिंक नहीं हो तब तक ऐसी घटना होती नहीं है, ये अनुभव कहता है। उसी रूप में इसकी जांच पड़ताल शुरू की गई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने उदयपुर के पुलिस अधीक्षक के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक को घटना को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए था और उसमें उनको स्वयं को शामिल होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि केवल किसी पुलिसकर्मी को निलंबित कर देना इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। उदयपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कन्हैया लाल ने पुलिस से बार बार सुरक्षा की मांग की थी, इसके बावजूद उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई और इसमें पुलिस के बड़े अफसर से लेकर बाकी छोटे स्तर तक के अफसर भी जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चाहें तो इसमें पुलिस अधीक्षक को भी जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।